आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल 2/5 × 3/7 − 1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5। ये पहले सवाल जैसे ही इसमें भी यहाँ से यहाँ तक पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। पहले सवाल में पहला सवाल वाला पद तो सेम वैसे ही इसमें भी दो नियम का ही पालन करेंगे। तीसरा पद दूसरे के स्थान पर चला जाएगा और दूसरा पद तीसरे के स्थान पर चला जाएगा। अब 2/5 × −3/7 अब ये तीसरा संख्या स्टार्ट। तीसरा पद दूसरे के स्थान पर चला गया और दूसरा पद तीसरे के स्थान पर चला गया, ठीक है ना। इसका इसमें कौन से नियम का पालन हुआ है? क्रम विनिमय नियम। अब इसके आगे हम करेंगे 2/5, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? 2/5 इसमें भी और 2/5 इसमें भी, रिलेशन कॉमन क्या निकाल देंगे? 2/5। अब अंदर क्या क्या बचा है? 2/5 तो बाहर चला ही गया, इसके अंदर बचा है −3/7 + और ये 2/5 बाहर चला गया, इसमें बचा है 1/14 माइनस। अब 3/1 में करेंगे 3 × 3 और 2/6 में करेंगे 2 × 12। अब इसे हम 3 के बारे से काट सकते हैं, 3 × 3 × 3 = 12। इसमें फिर हमने कॉमन ले लिया, इसमें कौन से नियम का पालन होना है? वितरण का नियम। इसके बाद 2/5 वैसे तो वैसे लिख देंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 14। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे मतलब लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले तो हम 2 के बारे से लेंगे तो 2 का भाग 7 में जाता नहीं तो वैसे तो वैसे लिख देंगे। अब 2 का भाग हम 14 में लेंगे तो 2 × 7 = 14। अब हमें पता चल रहा है तब कितने जाएगा? 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 14। अब 7 का भाग हम 14 में लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 × 6 = 6। माइनस पहले से लग रहा है माइनस लगा दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। अब 14 का भाग हम 14 में लेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर एक संख्या में करेंगे कितना आएगा? 1। अब इसमें हमने ये संख्या काट दी थी तो ऊपर क्या आया? −1 और नीचे आया 4। इसके बाद 2/5 जैसा का वैसे लिख देंगे, ये कोष्ठक हटाएंगे तो कोष्ठक की जगह क्या लग जाएगा? इंटू का निशान। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 6 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। बटे में कितना? 14। तो ये लिख दिया बटे में 14। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 2 × 7 = 14 और ये −1/4 वैसा का वैसे लिख देंगे। इसके बाद आगे आ जाएगा, ऊपर क्या क्या बचा है? −1 और नीचे बचा है बटे में 7। इसके बाद ये −1/4 वैसा का वैसे लिख देंगे। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 28। अब 7 का भाग हम 28 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 4। ये माइनस है, ये माइनस लगा दिया। अब 4 का भाग हम 28 में देंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा? 7। अब माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह का क्या लगता है? माइनस का। 7 और 4 कितने जाएंगे? 11। और बटे में कितना? 28। ये बटे में 28 दे देंगे। ये दूसरा आंसर हमारा सही हुआ।